मैं सर राजेश शर्मा, हाईटेक ऑटोमेटिव स्किल डिपार्टमेंट एकेडमी से। आज हम बात करेंगे कार एयर कंडीशन से। मैं यहाँ कार एयर कंडीशन की ट्रेनिंग देता हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट अलग अलग स्टेट से आते हैं ट्रेनिंग के लिए। आज हमने कुछ स्टूडेंट हैं, इनको ट्रेनिंग के लिए एक गाड़ी दी है। हमने पूरा कंसेप्ट खोड़ के इसकी लीकेज चेक करनी है, पहले इसकी कोई लीकेज है। ये हमारे स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं। इन्होंने गाड़ी का एसी का पूरा यूनिट बाहर निकाल लिया। अब हम स्टूडेंट से ही बात करेंगे, इन्होंने क्या क्या पार्ट्स खोले हैं, इसको कैसे चेक करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र प्रसाद है। आप कहाँ से हो? बिहार से है। पहले भी काम करते हो? नहीं सर, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ। ओके, आपको जो जो थ्योरी लिखाई गई थी आपने पूरा लिखा हुआ है? जी सर। उस थ्योरी के मुताबिक आपने क्या क्या पार्ट्स खोला गाड़ी में? कंप्रेसर खोला है, कंडेंसर खोला है, एक्सपेंशन वाल्व खोला है, कूलिंग कॉइल खोला है, सेक्शन पाइप खोला है, हाई लिक्विड प्रेशर पाइप खोला है और डिस्चार्ज पाइप खोला है। जो हमारे कंप्रेसर है, कंप्रेसर से सेक्शन पाइप हमारे एक्सपेंशन वाल्व तक जुड़ेगा और एक्सपेंशन वाल्व से हाई लिक्विड प्रेशर पाइप जो हमारे कंडेंसर में यहाँ आएगा और ये हमारे कंडेंसर यहाँ से डिस्चार्ज पाइप हमारे कंप्रेसर के अंदर जुड़ेगा। ये सारे फिट करने के बाद हम इसमें एयर भर के लीकेज इसका चेक करेंगे। लीकेज चेक करके फिर उसको सारे को फिर गाड़ी के ऊपर फिट करके फिर उसमें अपना एयर वैक्यूम करके कूलर कंप्रेसर ऑयल डाल के उसके बाद इसको गैस डाल के गाड़ी को ओके करेंगे। आप इसे फिट करो, अब इसका जो पाइप यहाँ लगना है वहीं लगाओ, उसे पाइप को फिटिंग करो। फिटिंग करने के बाद फिर इसकी हम लीकेज चेक करेंगे। आप इसकी फिटिंग करो। कंप्रेसर है, कंप्रेसर पे ये सेक्शन पाइप लगाए जो यहाँ से हमारा पाइप सेक्शन पाइप एक्सपेंशन वाल्व में जाके कनेक्ट होगा, यहाँ से कूलिंग कॉइल में जाएगा। ये हमारा कंप्रेसर पे डिस्चार्ज पाइप है जो हमारे कंप्रेसर से लेके हमारे कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर में हाई लिक्विड प्रेशर पाइप है नीचे की तरफ, वहाँ से फिर हमारा ये हाई लिक्विड प्रेशर पाइप एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा। ये हमारा पूरा पाइप का कनेक्शन, ये हमारा हाई एक्सपेंशन वाल्व में आया, यहाँ से हमारे कूलिंग कॉइल में जाएगा फिर ठंडी करेगा। अभी हम इसको चेकिंग करके एयर भर के चेकिंग करेंगे। ये नोजल हम सेक्शन पाइप के ऊपर लगा रहे हैं एयर भरने के लिए। अब इसको टाइट करेंगे, रेफ्रिजरेटर से इस पाइप से इस मैनिफोल्ड में आ रहा है, मैनिफोल्ड गेज में, फिर इधर से हमारा सेक्शन पाइप में लगा है। जब हमारा मीटर 250 पे जाएगा फिर हम इसको बंद करके लीकेज चेक करेंगे। यह हमारा एयर बढ़ते हुए दिख रहा है, 250 पे जाएगा तो हम बंद करेंगे एयर को। हम अपना कंप्रेसर का रेफ्रिजरेटर का एयर बंद करके और लीकेज चेक करेंगे सारे ज्वाइंट पे। इधर तो लीकेज नहीं है, फिर इधर भी नहीं है, लेकिन हमारे कंडेंसर में यहाँ लीकेज मिला। अब हम इसे सही से वेल्डिंग करा के इस लीकेज बंद कराएंगे क्योंकि पाइप फटा हुआ है। फिर उसके बाद गाड़ी में फिट करके फिर अपना आगे का काम करेंगे। ओके, थैंक यू।